नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। भागलपुर में रिश्ता हुआ शर्मसार। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद जीजा ने साली को किया आग के हवाले। नाथनगर में सिनेमा देखने के दौरान दो गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट, कई लोग घायल। शराबी पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने पति को किया पुलिस के हवाले। नाथनगर के भतोड़िया का है मामला। बांका में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा, मौके पर हुई मौत। और ममता बनर्जी द्वारा जय श्री राम के नारे लगाने वालों को जेल भेजने के विरोध में भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री को भेजा 11,000 पोस्टकार्ड। और अब खबरें विस्तार से। रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना फिर से एक बार भागलपुर में देखने को मिली है, जहां शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया में मनचले जीजा ने जघन्य अपराध को अंजाम देते हुए अपने रिश्तेदार के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसके बाद साक्ष्य को मिटाने के लिए किरासन तेल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। बुरी तरह से घायल चंपा को भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को उसकी मौत हो गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि चंपा अपने बहन के ससुराल मोहनपुर गोगट शादी समारोह में शामिल होने गई थी और बुधवार को वह अपने जीजा के बड़े भाई पप्पू महलदार के साथ अपने घर वापस नवटोलिया पहुंची, जहां घर में किसी को ना पाकर बुधवार की दोपहर पप्पू ने चंपा के साथ दुष्कर्म किया और फिर साक्ष्य को मिटाने के उद्देश्य से उसको किरासन तेल छिड़क कर जिंदा जला डाला। आग की लपटे और चीख पुकार को सुनकर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद बुरी तरह से झुलसी चंपा को आग की लपटों से बचाकर भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं घटना को अंजाम देकर भाग रहे पप्पू महलदार को ग्रामीण ने खदेड़ कर पकड़ा और उसे पोल से बांधकर जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस के बड़े अधिकारी इस मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी कहने से बचते दिख रहे हैं। भागलपुर में फिर से एक बार रिश्ता शर्मसार हुआ है, जहां दूर के एक जीजाजी ने अपनी ही साली के साथ दुष्कर्म कर उसे जिंदा जला डाला है। हालांकि आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है, लेकिन जिस तरह से महिला उत्पीड़न हाल के दिनों में भागलपुर में बढ़ा है, वह समाज और जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होते दिख रहा है। कुणाल शेखर, भागलपुर। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र के जवाहर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के दौरान दर्शकों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मारपीट की घटना में कई लोग घायल हो गए, जबकि सिनेमा हॉल सुरक्षा गार्ड को गंभीर चोटें आई हैं। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि फिल्म देखने के दौरान कुछ लोगों ने ऊपर से आपत्तिजनक सामान नीचे खड़े लोगों के बीच फेंक दिया, जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए और हॉल के ऊपर पहुंचकर सिनेमा देख रहे लोगों की जमकर पिटाई कर दी। वहीं लोगों ने सिनेमा हॉल की कुर्सियां भी तोड़ डाली। इस दौरान हॉल में अफरा तफरी मची रही और लोग इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को देखते ही हंगामा कर रहे लोग फरार हो गए। इसी में हम गए देखने के लिए कि नीचे हो रहा है कि ऊपर हो रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों ही जगह हो रहा था। उसी बीच में हमारे पास तो टॉर्च था, शांत करने गए सब ऊपर नीचे होने को भी, लेकिन माना नहीं। उसी दरमियान नीचे से बहुत बड़ा कोई लगा कि एकदम पत्थर मारा या लकड़ी का कोई सामान होगा, बड़ी जोर से लगा। तो बार बार हाफ टाइम जिसे हुआ, उसके बाद हाफ टाइम निकलने के बाद ये लोग पब्लिक भीतर घुसा, भीतर घुसने के बाद नीचे से पानी वाला बोतल ऊपर फेंका, कुछ लोग को चोट लगा, इसके बाद वो लोग भी नीचे फेंका, इसके बाद कुछ ऊपर वाला लोग सीट तोड़ के नीचे फेंक दिया, जिसके जरिए पब्लिक को चोट लगी आपस में, लोग फिर जाकर ऊपर मार करने लगा, जिसके नतीजा हुआ कि काफ़ी इसमें संख्या में सीट नीचे तोड़ कर ध्वस नष्ट हो गया। फेस्टिव मूड में है और थोड़ा अनरूली क्राउड, इस वजह से नीचे से ऊपर इन लोगों ने पहले एक दूसरे पर बोतल फेंका, फिर एक दूसरे से लड़ाई हुई, उसके बाद नाहक में हमारा जो नुकसान होना है वो हुआ, जिसकी तस्वीरें आप लोग ले चुके हैं, आपके कैमरे में है कैद। सूचना मिली थी जवाहर टॉकीज के हॉल में कुछ लड़का जो है उसको
मैंने 50 रुपया के टिकट की जगह पर 20 रुपया टिकट जगह पर बैठाया जा रहा है। इस पर देखने वाले कुछ हंगामा किए, इस पर मुझे सूचना मिली था, मैं अपना ऑफिस करके प्रबंधक से मिलते इस बात की घटना को पुष्टि करते हुए अपना देखे और कहे कि स्थिति है, इस मामला का मैंने अपना हॉल को बंद करवा दिए और आगे बोले कि चलाने के लिए यहाँ पर प्रतिनियुक्त बल का। शराब के नशे में पत्नी के साथ मारपीट करने वाले पति को पत्नी ने पुलिस के हवाले कर दिया। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया गांव का है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि भतोड़िया निवासी फुलेश्वर यादव शराब के नशे में प्रतिदिन पत्नी के साथ मारपीट करता था। कई बार ससुराल वालों ने फुलेश्वर को समझाने का प्रयास किया लेकिन उसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। बुधवार को भी शराब के नशे में ससुराल पहुंचकर फुलेश्वर ने पत्नी के साथ मारपीट की, जिसका ससुराल वालों ने काफी विरोध किया। शराबी पति से तंग आकर पत्नी ने पूरी घटना की जानकारी नाथनगर पुलिस को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब के नशे में धुत पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने शराब पीने की पुष्टि की है। वो मेरे घर में आकर के पी खा करके बदमाशी करता है, घर में खाना खर्ची नहीं देता है, हम कैसे रहेंगे घर में। वो आकर के रोज दारू ताली पी लेता है, घर में आके जलाने लगता है, फिर उसके बाद छोटा चापने लगता है, फिर उसके बाद मेरा बाल बच्चा को खर्ची नहीं देता है, पूरा ध्यान नहरा आता है, नहरा का सर सामान सब चूर दिया है। कौन है? मेरा पति है। कितना दिन से? मेरा 9 साल से ऐसा चल रहा है। तो फिर हम बर्दाश्त करते 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 तब फिर मेरे पास बर्दाश्त नहीं होने लगा। वो हमको मारता है, हम उसका वो परिवार नहीं था, व्यवहार में हमको बाबू को पटक देता है, हमको टोटो चप दिया मेरे पापा को, पापा हमको खींचा। अब जिया जी मरता है, क्यों मरता है पता ना, वो क्यों मरता है हम पूछते हैं तो हम कहते तो जानते हैं, तुम सब बात उसको जानते हैं, तो बहन को छुपा काय रखती है। तो मामला दे सर यह जो हमारा कहे कि 1 लाख रुपया तो दे, 16 साल ब्याह कर तो मैं एक पैसा तिलक नहीं दिल तो वहाँ मैं गली जखनी तो शादी कर लो जखनी हमारा कुछ तो बोल लो कलो लड़की बढ़िया से अखनी तू बच्चा और बच्चा बाप हो गए जखनी कहे 1 लाख रुपया दे नहीं तो मारे चोरी दे घर मकान सब तोड़ी दो। बांका के बेलहर में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान शंभूगंज थाना क्षेत्र के बसबिट्टा गांव निवासी नारायण मांझी के 22 वर्षीय पुत्र ललन मांझी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह ललन मोटरसाइकिल से बांका की ओर जा रहा था, तभी रंगा नवी बांध के समीप विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में युवक की मौत मौके पर ही हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और घंटों मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बेलहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बांका के अमरपुर विधानसभा के शंभूगंज से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा श्रीराम का जयकारा लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने के विरोध में अमरपुर से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और आम लोगों के द्वारा बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राम राम लिखा 11,000 पोस्ट कार्ड भेजने की शुरुआत की गई, जिससे अमरपुर विधानसभा के सभी मंडलों के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आम लोगों के सहयोग से भेजा जाएगा। इस दौरान भाजपा नेता डॉक्टर मृणाल शेखर ने कहा कि जिस प्रभु श्री राम का नाम लिखकर हम सभी इस लोक से परलोक तक की यात्रा तय करते हैं, उन्हीं के जयकारों से ममता बनर्जी को झुंझलाहट क्यों हो रही है। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए भाजपा नेता ने कहा कि सत्ता नश्वर है पर प्रभु श्री राम चिरंतन है। इस मौके पर चंदन सिंह, कमलेश कुमार, मनोज सिंह, किशोर सिंह, प्रीतम शाह, सोनल सौंडिक, छोटी सिंह, विश्वजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे। अमरपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने खुद को ही भगवान समझने की भूल कर ली है, ऐसे ममता बनर्जी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अमरपुर विधानसभा से हम लोगों ने 11,000 पोस्ट कार्ड पर जय श्री राम लिखकर भेजने का लक्ष्य रखा है। सभी लोग और आम लोग भी, सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, आम लोग भी इसमें सहभागी बन रहे हैं। ये वही ममता बनर्जी हैं जो तुष्टीकरण के कारण वोट के लिए कभी दुर्गा पूजा में, जो हमारे आस्था का केंद्र है दुर्गा माता, दुर्गा विसर्जन के लिए वो फरमान जारी कर देती हैं तुगलकी फरमान कि एक दिन पहले ही विसर्जन कर दिया जाए। ये वही ममता बनर्जी हैं जो वहाँ जय श्री राम, जो श्री राम हमारे आस्था के केंद्र हैं, हमारे रोम रोम में बसते हैं। श्री राम सिर्फ हमारा नारा नहीं है, सिर्फ उद्घोष नहीं है, यहाँ तक कि श्री राम
हमारे मृत्यु के बाद भी जब हमारे लोग स्वर्गवासी होते हैं अंतिम यात्रा में भी हम श्री राम नाम जयकारा लगाते हैं। दानापुर में चल रहे रूट रिले इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर भागलपुर से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 9 जून से 19 जून तक आनंद विहार श्यालदा एक्सप्रेस, अपर इंडिया एक्सप्रेस और दानापुर साहिबगंज इंटरसिटी एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा, जबकि ब्रह्मपुत्र मेल, LTT एक्सप्रेस, सूरत एक्सप्रेस, अजमेर एक्सप्रेस, न्यू फरक्का एक्सप्रेस और मालदा टाउन एक्सप्रेस पटना रूट के बदले क्यूल गया रूट होकर चलेगी। भागलपुर से दानापुर तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस पटना तक चलेगी, जबकि विक्रमशिला सुपरफास्ट, गरीब रथ एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस और बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने पुराने रूट और समय से चलेगी। ट्रेनों का परिचालन बाधित होने से पटना रूट में जाने वाले यात्रियों को परेशानी होगी, जबकि बदले रूट से यात्रा करने वालों को अतिरिक्त समय लगने से परेशानी से जूझना होगा। बहरहाल रेलवे के अधिकारियों की माने तो 19 जून के बाद भागलपुर से गुजरने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ईद के इस खुशी के अवसर पर मैं डॉक्टर DP सिंह शहरवासियों को, देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं कि ईद का यह पर्व, खुशियों का यह पर्व, मेल मिलाप का यह पर्व, सेवई खाने का यह पर्व लोग आनंद से मनाएं, उत्साह से मनाएं, एक दूसरे के गले मिलें और ऐसा मिसाल कायम करें अपने शहर में, अपने देश में कि लोग जो है देखें कि एक अनूठा मिसाल भागलपुर के वासी दे सकते हैं और पुनः देशवासियों को ईद के मौके पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों को ईद की। ईद के सिलसिले से इतनी बात ज़रूर है कि सभी लोग, गरीब समुदाय के हों चाहे अमीर समुदाय के हों, सबों के दरमियान खुशी होनी चाहिए और खुशी दो तरह से हो सकती है, एक जेब भरा हुआ हो उससे भी खुशी होती है। चुनांचे रमज़ान के महीने में ज़कात खैरात की रकम से उन गरीबों को भी खुल के बांटने का है, कपड़ा से लेके हर चीज़, ताकि उनके दिल में भी वो खुशी हो। सोशल अनरेस्ट यानी गरीब और अमीरों के दरमियान जो फाड़ है, जो दूरी है वो कम हो सके। दूसरी चीज़ है कि सोशल लेवल पर बहुत सारी ऐसी है जो ईद की नमाज में लानी चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से हम लोग गरीब को पैसा दे रहे हैं, हमें इस बात की भी ख्याल रखना चाहिए कि पेड़ पौधे भी हमारे भाइयों की तरह हैं, कि उनको भी लगाना, उसको लगाने से का मतलब हुआ, पेड़ लगाने का मतलब हुआ कि परिंदे और पक्षियों का भी हम ख्याल रख रहे हैं। चुनाचे मेरा ईद का ये संदेश है कि लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि साहब सिर्फ इंसानों की खबर न लें बल्कि परिंदे पक्षियों उसकी भी खबर लें, पेड़ लगाएं, सो दैट कि हमारा वाटर हार्वेस्टिंग या वाटर रिटेंशन भी हो और परिंदों के लिए भी जगह मिल सके, आशियाना मिल सके। ईद के शुभ अवसर पर हम देशवासियों को सौहार्द, प्रेम और आपसी मेल का संदेश हम देना चाहेंगे कि जितने भी व्यक्ति हैं सभी हम सब एक हैं, हम सब का गॉड एक है, अल्लाह एक है और हम सभी प्रेम सौहार्द से अपने जीवन यापन करें, मिलजुल कर रहें और सब कोई ईद को उल्लासपूर्ण हम सब मिलकर मनाएं। मैं मनीष कुमार, संभव कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर, इस ईद के पावन अवसर पर पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ख़ासकर भागलपुर वासियों को भी मेरे तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इस शुभ अवसर पे सबसे अपील करता हूं कि आपसी भाईचारे और शांति के साथ मिलजुल के त्यौहार मनाएं। नमस्कार, मैं क्रिएशन परिवार की तरफ से समस्त देशवासियों को ईद की शुभकामनाएँ देती हूँ। यह एक मैत्री का महीना है तो हम मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा जो पैगाम दिया गया था कि हमें हम सभी को आपसी प्रेम के साथ रहना चाहिए, आपसी प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए, तो उसी पे चलते हुए हमें उनके सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए और आपसी प्रेम के साथ इस महीने को ही नहीं समस्त पूरे साल को अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। वंचित समाज पार्टी की ओर से ईद के शुभ अवसर पर भारतवासियों को हम चाहते हैं प्रेम मोहब्बत के साथ जो सद्भावना और जो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता है उसके अनुसार
हम चाहते हैं कि एक शांतिपूर्वक एक खुशी माहौल में यह ईद मने और इसमें हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग को इन्वॉल्वमेंट हो और हम इन्वॉल्वमेंट हो और इस अवसर पर सबको हम हार्दिक बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामना देते हैं। मैं खानकाह पीर दमड़िया शाह रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से तमाम शहरवासियों को बल्कि पूरे मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को ईद की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। अभी रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना गुजरा है, इसमें ख़ास तौर पर ईमान वालों ने अल्लाह की बंदगी इस तरह अदा की कि उनके अंदर रूहानी निखार पैदा हुआ है। अब उन्हें समाज सेवा का काम करना चाहिए। अल्लाह की इबादत के साथ साथ पूरे मुल्क में किस तरह सद्भावना कायम हो, मोहब्बत और अमन व शांति की हवाएं चलें, इसके लिए जो भी रोज़ेदार रहे हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि ईद की इस खुशी के मौके पर सारे लोगों के घर में इस खुशी की ठंड पहुँचे, वहाँ खुशियों की हवाएं पहुँचें। इस तरह से अपनी खुशी को मनाइए, यही हम कामना करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। ईद जो है वो खुशी का त्यौहार है। असल में 30 दिन रोज़ा रखने के बाद ये हमें खुशी मिलती है कि हमारे तमाम पिछले गुनाह और ग़लतियों और ख़ताएँ अल्लाह माफ़ करते हैं। रमज़ान में जो अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि रमज़ान का बदला, रोज़े का बदला हम खुद हैं, यानी जिसके हाथ में कायनात है, जिसके हाथ में जन्नत और दोज़ख है, वो कहता है कि हम इसका बदला हैं, यानी वो बेहतर से बेहतर रोज़ा रखने वालों को इनाम से नवाजेंगे। और इस ईद को हम सब मिल करके मनाएं, यानी गरीब, कमज़ोर और यतीम, बेवा, सबकी ईद होनी चाहिए। अपनी ईद सिर्फ नहीं है बल्कि सबके साथ ईद मनाना सही खुशी है। हम खुश हैं लेकिन हमारा पड़ोसी तकलीफ़ में है तो वो ईद नहीं हुई। ईद का मतलब है कि हर एक, इसीलिए इसमें फितरे के लिए कहा गया है कि चांद देखने के बाद फितरा दो ताकि उसके यहाँ भी अच्छा खाना बन सके, और तुम ज़कात दो ताकि वो भी अपना अच्छा कपड़ा बना सके। ये सब चीज़ें रखी गई हैं, फ़र्ज़ की गई हैं ताकि हम सब मिल कर के ईद की खुशी मनाएं। इसलिए इस ईद को आप सब मिल कर के और हम मुल्क के जो और लोग हैं, और बिरादरी के लोग हैं, उनको भी अपने ईद में अपनी खुशी में शामिल करें, उनको अपने घर में बुलाएं, उनके घर में जाएं ताकि हम उनके साथ मिलजुल कर ईद मनाएं। ये इज्तिमाई अमल है, इज्तिमाई खुशी मनाने के लिए, और मुल्क के लिए भी रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं, इसमें मुल्क के लिए हम दुआ भी करें। मैं अजय कुमार रेशमी केमिस्ट्री क्लासेस की ओर से तमाम देशवासियों को, साथ साथ अंग प्रदेश के सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को मेरे तरफ से हार्दिक दिल से ईद की बधाई, और मैं चाहता हूँ, मेरा अनुरोध है सभी भाइयों से कि इस पर्व को शालीनतापूर्वक भाईचारा के रूप में मनावे, जिससे हमारे देश में आगे आने वाले जनरेशन के लिए नया संदेश जाए। मैं दिलीप कुमार, अध्यक्ष छात्र राजद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर की ओर से सभी छात्र, युवा साथी, खास करके देश के सभी मुस्लिम भाई को ईद पर्व पे बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। एवं सभी भाई से अपील करता हूँ, इस पर्व पे भाईचारा और अमन के साथ आप मनाइए और आपसी स्वार्थ बनाए रखिए।
अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती, धरती पर जले आकाश तक महके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए देखते हैं अगली खबर। नाथनगर थाना क्षेत्र के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर गंगा घाट की दूसरी ओर चलने वाले पार्क में घूमने आए युवकों के साथ पार्क के कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की। मारपीट की इस घटना में 3 युवकों को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 युवकों को इलाज के लिए नाथनगर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बुधवार की शाम ईद त्योहार को लेकर 3 युवक घूमने के लिए दास पार्क पहुंचे, जहां युवकों ने पेटीएम से पार्क मैनेजर को भुगतान लेकर टिकट देने को कहा, लेकिन मैनेजर ने कैश देने पर टिकट देने की ही बात कही। इसी बीच 2 युवक पार्क के अंदर चले गए, जिसके बाद पार्क में मौजूद कर्मचारियों ने बिना टिकट अंदर आने पर युवकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। पार्क कर्मचारियों ने युवकों की जमकर धुनाई की। वहीं पिटाई से घायल खीरीबांध निवासी मोहम्मद अकबर ने अपने दोस्तों और परिजनों को मौके पर बुला लिया, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। वहीं पिटाई में घायल युवकों ने नाथनगर थाने में पार्क मैनेजर और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। भागलपुर के रानी लक्ष्मीबाई चौक के समीप जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से पर्यावरण एवं जल संरक्षण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोसाइटी की ओर से ग्राउंड वाटर को बचाने और पानी की बर्बादी को रोकने की अपील आम लोगों से की गई। इस दौरान ग्लोब की आकृति बनाकर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीना, सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह एवं डॉक्टर रेखा झा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में लोगों ने कहा कि धरती से पानी खत्म हो रहा है, लोग पानी का अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, इसलिए जल संकट का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि पानी नहीं बचेगा तो जीव जंतु और पेड़ पौधे भी नहीं बचेंगे, इसलिए हम सबको जल संरक्षण को लेकर जागरूक होना होगा। इस अवसर पर डॉक्टर वीना सिन्हा, विनीता शाह, धर्मेंद्र समेत कई लोग मौजूद थे। कुछ हम लोगों को कोशिश करके लोगों के बीच में संदेश देना चाहिए। संदेश ये होना चाहिए कि वृक्ष को बचाना है और पानी को बचाना है, जो भी हमारे संसाधन है उसे बचाना है, अन्यथा जीवन भी नहीं बच पाएगा। और इस कार्य के लिए हमको हमेशा आगे रहना है, क्योंकि हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरों को अगर हमेशा ये शिक्षा देंगे कि पानी का बचाया जाए, वृक्षों की रक्षा की जाए, तो हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा। एक ये देख रहे हैं कि धरती का ग्लोब है और इसको किस तरह से हम लोग दोहन कर रहे हैं। इसमें जो अंदर पानी है उसको हम लोग दोहन कर रहे हैं और इसको जो धरती वाटर अंडरग्राउंड वाटर है उसको सूखा कर रहे हैं। इस तरह से तो हमारे पेड़ पौधे भी नहीं बचेंगे, और जब पेड़ पौधे नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं बचेगा। तो हम लोग अपने बच्चों को क्या देकर जा रहे हैं? एक तरफ हम लोग धन उपार्जन करते हैं और अपने बच्चे को देते रहते हैं कि बच्चा उसका बच्चे उसके बच्चे के लिए, और दूसरे तरफ हम लोग पानी का कीमत नहीं समझ रहे हैं और उसको सिर्फ ना सिर्फ दोहन करते हैं बल्कि उसको बर्बाद भी करते हैं। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड योग स्थली में बीटेट और सीटेट अभ्यर्थियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 10 जून को पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और आंदोलन शुरू करने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सभी अभ्यर्थियों ने कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की बहाली अविलंब करने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि बिहार में 1,70,000 शिक्षकों का पद रिक्त है, जबकि टेट पास अभ्यर्थियों की संख्या 50,000 है। इस अवसर पर संजय चौधरी, रणधीर कुमार, शिशुपाल तांती, शेखर समेत काफी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे। नगछिया के तेतरी दुर्गा मंदिर परिसर में जेपी सेनानियों ने संपूर्ण क्रांति दिवस को परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान जेपी सेनानियों ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन की नींव लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में रखी थी। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे जेपी सेनानी जो भूमिगत हैं और कई दिनों तक जेल में बंद रहे, उन्हें प्रशस्ति पत्र और पेंशन योजना का लाभ देने की मांग राज्य सरकार से की गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जेपी सेनानी श्यामल किशोर ने की। इस मौके पर जयप्रकाश महंत, प्रवक्ता अशोक कुमार यादव, गणेश कुमार सहित बड़ी संख्या में जेपी सेनानी मौजूद थे। 5 जून 1974 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति मंच की घोषणा की थी। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है,
और इस अभियान में हमारा मुख्य मांगे है कि बिहार सरकार जल्द से जल्द जेपी सेनानियों को प्रशस्ति पत्र दे, पेंशन सुविधा उपलब्ध कराए और भारत सरकार इस जेपी सम्मान पेंशन योजना को अपने सूची में डाले और सबको एक सम्मान पेंशन के रूप में सरकार उपलब्ध कराए, यही हमारा अभियान है। 15 महीने से वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज कहलगांव एसएसवी कॉलेज के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। कर्मियों ने कॉलेज गेट के समीप धरना दिया। इस दौरान कर्मियों का कहना था कि वेतन भुगतान नहीं होने से उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है, जिसके कारण परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। कर्मियों का कहना है कि अगर जल्द वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा। 2016 में 1/9/2016 से कर रहे हैं हड़ताल में बैठे, इसलिए 15 महीना से वेतन नहीं मिला है। और हमको जो है जिला कल्याण पदाधिकारी जो है हमको जो है मैंने कि 15 महीना से दौड़ा दौड़ा करके हमको जो है वहाँ पर जो है परेशान कर दिया है। और वहाँ के पदाधिकारी कहते हैं अलॉटमेंट नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं आया तो हम लोग जिए कैसे, हम लोग भूखे तड़प रहे हैं। भागलपुर के तिलका मांझी शीतला स्थान रोड स्थित एक कोचिंग संस्थान में अरुणुज फिल्म्स की ओर से 5 दिवसीय फिल्म वर्कशॉप का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, रंगकर्मी अरुण कुमार राय, मनोज पंडित और अजय अटल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वर्कशॉप में डायरेक्टर अनुज कुमार राय ने फिल्म निर्माण की बारीकियों, टेक्निक, एक्टिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म के प्रमोशन से संबंधित जानकारी दी। इस दौरान अतिथियों ने भी फिल्म मेकिंग और एक्टिंग से जुड़ी कई जानकारी दी। अनुज कुमार राय ने कहा कि वर्कशॉप में फोटोशूट, वीडियोग्राफी, स्क्रिप्ट राइटिंग, शूटिंग के बारे में बताया जाएगा, जबकि अंतिम दिन कई शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर और समाज के ज्वलंत मुद्दों पर कई फिल्म को लेकर स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें छोटे छोटे शहरों के छात्र छात्राएं और युवा अपने कैरियर बना सके। 5 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं और उद्देश्य है क्या, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह है उस पे जो सोशल साइट पे हम लोग फिल्म रिलीज करते हैं, किस टेक्निक पे बनाया जाए कि हमारी फिल्में जो है फिल्म फेस्टिवल में भी सिलेक्शन हो, लोग हमारी फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए, हमारी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। भागलपुर में रिश्ता हुआ शर्मसार, दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद जीजा ने साली को किया आग के हवाले। नाथनगर में सिनेमा देखने के दौरान 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट, कई लोग घायल। शराबी पति की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने पति को किया पुलिस के हवाले, नाथनगर के भतोड़िया का है मामला। बांका में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने मोटरसाइकिल सवार को रौंदा, मौके पर हुई मौत। और ममता बनर्जी द्वारा जय श्री राम के नारे लगाने वालों को जेल भेजने के विरोध में भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री को भेजा 11,000 पोस्टकार्ड। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।